ये कहानी है मनोहर नाम के बड़े खूबसूरत जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में बहुत खुश रहते थे। किंतु उन्हीं में एक जोड़ा था, कालू और गोरी कौवे का। सभी पक्षी मेहनत करते और अपनी जिंदगी गुजार बसर करते। वो सुबह दाने के लिए खोज कर अपना भोजन इकट्ठा करते। सभी ज़्यादा से ज़्यादा दाना लेके आते ताकि उसे बाजार में बेचकर कुछ अपना सामान ले आए। किंतु उन्हीं में एक बड़ा कमज़ोर पक्षी था, कालू। उसे दूर तलक उड़ा नहीं जाता था। पास में उसे इतना दाना नहीं मिल पाता कि वो पेट भर खाए या फिर उसे बेचकर अपने ज़रूरत का सामान ले ले। उसके पास घर भी इतना अच्छा नहीं था। सभी पक्षियों ने बरसात आने की डर से अपने अच्छे अच्छे घर बनाए थे, किंतु कालू और गोरी कौवे का घर बहुत कमज़ोर था। तब चिड़िया उनसे कहती है, कालू भाई, तुमने क्या बरसात के लिए भोजन एकत्रित किया? तब कालू कहता है, कहाँ बहना, मुझसे तो ऊंची उड़ान भी भरी नहीं जाती, दूर तक जाया भी नहीं जाता। इस बार मैंने गोरी को बोला था, गोरी चलो तुम भी मेरे साथ, किंतु ये अंडा देने वाली है, ये भी भारी बोझ नहीं उठा सकती। हम भोजन लाने में भी असक्षम हैं और अपना घर को मजबूत बनाने में भी, क्या करें? अब तुम ही बताओ टुन्नी बहन। तब टुन्नी कहती है कि तुम थोड़ी थोड़ी मदद सभी पक्षियों से मांगो। हमारे जंगल के सभी पक्षी बहुत अच्छे और ईमानदार हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। मुझसे जो होएगा मैं वो करूँगी। मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा कर लूँगी। जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे तो तुम फिर हमारी मदद कर देना, और गोरी बहन भी आराम से अंडा दे सकती है, अन्यथा बरसात में कहाँ जाओगे? सुना है इस बार बरसात रुकने का नाम नहीं लेगी, मैंने ऐसा सुना था। तब कौवा कहता है कि हाँ बहन, बात तो सही है, मैं कल धीरे धीरे थोड़े थोड़े तिनके इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं अपना घर मजबूत बनवा सकूं। कल मैं जाता हूं तोते और कबूतर के पास उनसे मदद मांगने, अन्यथा कुछ दिनों के बाद अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं अपना घर भी मजबूत नहीं बना पाऊंगा। कहां गोरी को रखूंगा और कहां अपने बच्चे को? सही कह रहे हो कालू भाई, तुम कल सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करना। हाँ हाँ टुन्नी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे समझा दिया। दोनों टुन्नी, कालू कौवा और गोरी अपने अपने घर को जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर वो तोते राम के पास जाता है और कहता है, तोते राम भाई, मुझे तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत है। मैं दूर जंगल में नहीं जा सकता, जिससे बारिश के लिए मैं भोजन एकत्रित नहीं कर सकता। ऊपर से मेरा घर भी बड़ा कमज़ोर है, उसे भी मजबूत करना है। अगर आपसे कोई मदद मिल जाती तो अच्छा होता। तब तोता राम कहता है कि देखो कालू भाई, बात तो सही है, मदद करने से ही क्या होगा? मदद तुम्हारी एक दिन हो सकती है, दो दिन हो सकती है, किंतु बरसात तो लंबी चलने वाली है। हाँ भाई, बात तो सही है। तो अब तुम्हें पता है कालू, तुम जंगल में नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं यहीं पक्षियों के बसेरे के बीच तुम कोई काम कर लो, जिससे तुम्हारे पास दो पैसे आए और तुम कुछ भी खरीद सकते हो। हाँ तोता राम भाई, बात तो सही है, आखिर करूँ तो करूँ क्या? तब तोता राम कहता है, मेरे मित्र कबूतर के पास एक सब्जी और चाय का ठेला है, उसका नौकर कुछ दिन पहले ही भाग गया।
अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं। कबूतर तो सिर्फ रोज के 2 पैसे लेता है और कमाई वहां पर 10 पैसे की है। तुम्हें पता है तुम्हारे पास पूरे 8 पैसे बचेंगे, उससे तुम अपना मजबूत घर भी खरीद सकते हो और भोजन भी एकत्रित कर सकते हो। तुम्हें तिनके इकट्ठे करने की या दूर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है कबूतर बड़ा ईमानदार है, तुम आराम से ये काम करो, काम करके देखो तुम्हें कौन सा उड़ान भरनी है जो तुम्हें कमजोरी महसूस देगी। तुम्हें तो बैठे बैठे ही काम करना है, साथ में तुम गौरी बहन को भी लगा लेना। कौन सा तुम्हें भारी भरकम काम करना है? कालू के दिमाग में बात आ गई। उसने कहा, ठीक है तूताराम, मैं घर गौरी से सलाह करके तुम्हें कल बताता हूँ। ठीक है, बता देना, काम की कमी नहीं है, बस थोड़ा आलस छोड़ने की जरूरत है। तो कालू ने जाकर घर पर गौरी से बात की, साथ ही साथ टुन्नी से भी सलाह ली। टुन्नी कहती है, हाँ भाई, उस नौकर ने पैसे इकट्ठा करके शहर चला गया। सुना है वहीं बड़े बड़े फलों के जंगल में रहता है, तुम भी ऐसा ही करो। खाने पीने से तुम्हारी कमजोरी दूर होगी, तुम घर खरीद सकते हो और अपने बहुत सारे काम कर सकते हो। पर तुम्हें थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी, अपना आलस त्यागना होगा। कालू के दिमाग में बात आ जाती है और वो अगले दिन सुबह कबूतर के पास पहुंच जाता है। कबूतर से वो ठेले पर काम मांग लेता है, जिससे उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। बारिश के आने से पहले ही वो एक अच्छा घर बना लेता है और साथ ही साथ भोजन एकत्रित कर लेता है। इस एक दिन बैठे बिठाए टुन्नी चिड़िया के घर तूफान से गिर गया। जैसे ही उसका घर नीचे गिरा, उसका बच्चा यानी कि टुन्नी का जो छोटा पक्षी बच्चा था वो भी नीचे गिर गया और उसका सारा भोजन पानी में खराब हो गया। वो मदद मांगने सभी पक्षियों के पास जाती है, किंतु सभी पक्षी ये बात कहते हैं कि इस बार बरसात ज़्यादा तेज है और हमारे घर भी इतने मजबूत नहीं हो पाए। टुन्नी, तुम तो इतनी मेहनती थी, फिर भी तुम्हारा घर गिर गया, अब तुम्हें हम आसरा देंगे? तो बताओ, अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे करके जब उसे हर जगह से निराशा मिली तो उसे याद आता है कि मैं क्यों ना कालू कौवे के पास पहुँचूँ। वो गौरी के पास जाती है, उससे मदद मांगती है, किंतु गौरी पैसों के लालच में इतनी घमंडी हो गई कि उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि टुन्नी ने उनकी कितनी बार मदद की। वो बेचारी निराश होकर वहाँ से वापस आ जाती है। रास्ते में आते हुए उसे कालू मिलता है। वो कालू को सारी बात बताती है और कहती है, मैं कालू भाई तुम्हारे घर भी गई थी, किंतु गौरी ने मुझे रखने से इनकार कर दिया, अब बताओ भाई मैं कहाँ जाऊँ? तब कालू कहता है, एक वक्त आने पे तुमने मेरी बड़ी मदद की है, अब बारी मेरी है। तुम ऐसा करो टुन्नी, तुम भी मेरे साथ ठेले पर रह लो, काम ज़्यादा है और गौरी अब आती नहीं है, हम आधा आधा बांट लेंगे और उससे तुम जल्दी अपना घर ठीक करवा सकती हो और तुम्हें फिर किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भरी बरसात में छोटे बच्चे को लेकर आके जाओगी कहाँ? टुन्नी के दिमाग में बात आ जाती है और वो कहती है, ठीक है कालू भाई, लेकिन अगर आज रात का आश्रय मिल जाता तो अच्छा होता। तब कालू कहता है, ठीक है, आज के लिए मैं गौरी को मना लेता हूँ और कल से तुम काम शुरू कर देना, ठीक है ना? और अच्छा
प्यारा घर बनाकर आराम से रहना, भोजन की भी दिक्कत नहीं आती। किंतु ये बात मेरी और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, अन्यथा गौरी मुझे भी घर से निकाल देगी। टुन्नी चिड़िया कहती है, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो बच्चों, इस तरीके से टुन्नी चिड़िया ने भी अपना मेहनत करके अच्छा घर बना लिया और वो अपने बच्चे के साथ बड़ी खुशी से रहने लगी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं तो एक ना एक दिन हमारी भी वो आदमी मदद करता है। इसीलिए बुरे समय में हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ताकि अगर बुरा वक्त हम पे आए तो हमारी मदद करने के लिए भी हजारों हाथ हों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, आइकन बटन प्रेस करना ना भूले, और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।